योहानाबाद में दो गिरजाघरों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, जहां दवाइया तकरीब जारी थी। पहले गोलियां बरसाई गईं, फिर यके बाद दीगरे दो धमाके हुए। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है, जैसे ही धमाका हुआ हर तरफ चीखो पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए भाग उठे और चर्च की दीवारें फलांगते रहे। वाके में जख्मी और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके से पहले फायरिंग भी की गई। हमलावर चर्च में दाखिल नहीं हो सके। हमारे बच्चों की बहादुरी से और खासतौर पर एक हमारा बच्चा आकाश, जिसने सुइसाइड इस बॉम्बर को खुद अपने साथ उसके साथ ये चिमट गया ताकि उस ये बम धमाका ना हो और सबके सबको बचाया जा सके, और यही इसकी फर्स्ट हैंड उसके साथ डेथ हुई है। बहुत सारे हमारे बच्चे जख्मी हैं। सिवाय एक मुलाजम के और कोई मुलाजम यहाँ पे नहीं होता। अगर दूसरे दो या तीन आते हैं वो भी कोई उधर जाके बैठ जाता है, कुछ चाय पीने बैठ जाता है। खुदकुश बम धमाकों में दो पुलिस एहलकारों समेत मुतअद्दिद अफराद की जान चली गई। मरने वालों में कैसर, आकाश, नदीम, सादिक, मुख्तार, हेड कांस्टेबल यावर हयात, रमजान, अलियास भट्टी, अमरीन बीबी भी शामिल है। 78 अफराद जख्मी हुए, उनमें से एक अस्पताल में दम तोड़ गया। धमाके के बाद अमदादी टीमें और पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इमरजेंसी नाफिज़ करके डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को तलब कर लिया गया। अस्पताल में पुलिस कांस्टेबल समेत तीन अफराद की हालत तश्वीशनाक बताई जा रही है। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल ने बताया कि कई जख्मियों को गोलियां लगी हैं, जबकि कईयों के जिस्मों पर जलने के जख्म भी हैं। कुछ लोगों को तो कुछ गोलियां लगी हुई है, एग्जैक्ट उसकी कॉज पता नहीं है कि कहां से वो उनको बुलेट लगी है। बहुत सारे लोगों को बर्न है और बाकी लोगों को हर जगह पे छोटी छोटी सारी हर जगह की चोटें लगी। गिरजा घर के मुतसिल दुकान से भी एक शख्स की लाश मिली है। कैमरा टीम के साथ मुजाहिद शेख, दुनिया न्यूज़, लाहौर।